फ्रेंड्स, वेलकम टू विक्टर्स किचन। आज हम क्रिस्पी फ्राइड एग फिंगर्स बनाएंगे। ये एक बहुत ही टेस्टी स्नैक है जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको हम ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक्स के लिए बना सकते हैं। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए नमक, चाट मसाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, गरम मसाला, कॉर्न फ्लोर, कटा हुआ प्याज, मैदा, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ टमाटर, अंडे और ब्रेड क्रम्स। आइए शुरू करते हैं। एक बाउल में हम 6 अंडे तोड़ लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा बाउल कटा हुआ प्याज और इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि इसको अच्छी तरह से फेंटना बहुत ज़रूरी है ताकि इससे हमारे जो फिंगर्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 बाउल बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा बाउल टमाटर बारीक कटा हुआ, और इसको फिर से फेंटेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच चाट मसाला डालकर इसको एक बार फिर से फेंट लेते हैं। अब हम इस एग मिक्सचर को स्टीम कुक करेंगे। इसके लिए हमने एक फ्लैट बॉटम कंटेनर लिया है और उसको अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। अब हम कंटेनर में एग मिक्सचर को डाल देते हैं। अब हम एग मिक्सचर को स्टीम कुक करेंगे। स्टीम कुक करने के लिए एक डीप पैन को या कढ़ाई को हम गैस के ऊपर रखेंगे और उसमें एक ये स्टैंड रखेंगे जिसके ऊपर हम अपना एग मिक्सचर का कंटेनर रखेंगे। अगर स्टैंड नहीं है तो हम कोई जैम की पुरानी बोतल का ढक्कन भी यूज कर सकते हैं। एग मिक्सचर के कंटेनर को पैन के अंदर स्टैंड के ऊपर रखेंगे, फ्लेम को मीडियम करेंगे और कढ़ाई के अंदर पानी भरेंगे। पानी हमें उस हाइट तक भरना है जहाँ तक हमारा एग मिक्सचर कंटेनर के अंदर है। अब हम कंटेनर और पैन को कवर करेंगे और अपने मिक्सचर को 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और अपने एग मिक्सचर को निकाल के देखते हैं। ये देखिए हमारा एग मिक्सचर कुक हो गया है और अब ये बिल्कुल एक एग केक की तरह दिखने लगा है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। एग केक ठंडा हो गया है, अब हम चक्कू की मदद से इसके किनारे छुड़ाएंगे।
चॉपिंग बोर्ड को कंटेनर के ऊपर रख के उसे पलट लेते हैं। कंटेनर को हाथ से पैट करके और केक को निकाल लेते हैं। अब हम केक को फिंगर्स की शेप में काट लेते हैं। इतने बड़े केक से हमारे 25 से 30 के बीच में फिंगर्स बनने चाहिए। यहाँ ये ध्यान रखिए कि हमारा जो चाकू हम यूज़ कर रहे हैं वो शार्प होना चाहिए। हमने सारे एग फिंगर्स काट लिए हैं, अब हम इनको ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्ब के कोटिंग करने के लिए यहाँ हमने एक बाउल में 2 चम्मच मैदा लिया है, उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1 चुटकी नमक डालेंगे और 1 चुटकी चाट मसाला डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हम कोटिंग करते हैं। एक एक फिंगर लेंगे, उसको अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद कॉर्नफ्लोर उसके ऊपर स्प्रिंकल करके उसको कवर करेंगे। दोबारा अंडे में डिप करेंगे अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स को कोट करेंगे। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारे एग फिंगर्स को ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग करेंगे। अब हम एग फिंगर्स को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम उसमें एक एक करके फिंगर्स डालेंगे और गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा डार्क होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। बीच बीच में हम इनको पलट पलट के फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, हमारे क्रिस्पी फ्राइड एग फिंगर्स तैयार हैं। अब हम इन्हें हरी चटनी और सॉस के साथ सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे पिछले वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।